जिस देश में 300 350 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हों और 1000 से ज्यादा मैगजीन्स और अखबार छपते हों, सोचिए उस देश में एक यूट्यूबर वो काम कर रहा है जो सारे के सारे मिलके नहीं कर पा रहे। दोस्तों, ध्रुव राठी ने अपना नया वीडियो जब से जारी किया है तब से सोशल मीडिया में तूफान मच गया है। आईटी सेल वाले रात भर सो नहीं पाए होंगे क्योंकि इस बार ध्रुव राठी ने अपने पिछले वीडियो का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए जिसमें ध्रुव राठी के मात्र एक घंटे में वीडियो अपलोड करने में करीब 9 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके थे और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं करीब 48 लाख से आसपास लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। हो सकता है कि जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो और ज्यादा लोग देख चुके हों। इस वीडियो का नाम और भी ज्यादा क्रांतिकारी रखा गया है। पिछली बार ध्रुव राठी ने अपने वीडियो का नाम डिक्टेटर रखा था और इस बार ध्रुव राठी ने अपने वीडियो का नाम रखा है डरा हुआ डिक्टेटर, यानी कि डरा हुआ तानाशाह। तो आखिर ध्रुव राठी के इस वीडियो में ऐसा क्या है दोस्तों कि सोशल मीडिया में ये वीडियो तूफान मचा रहा है, सोशल मीडिया में ध्रुव राठी ट्रेंड कर रहे हैं नंबर वन पर। दोस्तों, इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का न केवल मुद्दा उठाया ध्रुव राठी ने बल्कि ये भी बताया कि कैसे इस सरकार ने पीएमएलए कानून में संशोधन करते हुए इसमें बेल मिलना कितना मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ अरविंदो फार्मा का शरद चंद रेड्डी, जिसने इसी केस के मुख्य आरोपी होने के बाद चुनावी चंदा दिया, उस चुनावी चंदे में सबसे ज्यादा जो चंदा मिला वो बीजेपी को मिला और वो सरकारी गवाह बन गया। इसके अलावा तमाम वो दागी जो बीजेपी के लिए दागी हुआ करते थे, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे वो अजित पवार हो, वो सब बीजेपी के लिए खास बन गए, भाजपाई बन गए जब वो बीजेपी में शामिल हुए। ये मुद्दा ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में उठाया। इसके अलावा दोस्तों, ध्रुव राठी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी उठाया इस वीडियो में, वो था दोनों इलेक्शन कमिश्नर ठीक चुनाव से पहले किस तरह से अपने हिसाब से इस सरकार ने बदले, ये कहना था ध्रुव राठी का इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने कैसे इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन किया, ये जुडिशरी की आजादी पर भी एक सवाल खड़े करता है क्या, ये ध्रुव राठी ने कहा। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि 24 मिनट का ये वीडियो उनके पिछले वीडियो के आगे की श्रृंखला है। इस वीडियो में ध्रुव राठी आगाह करते हैं लोगों को कि आखिर कैसे उन्होंने देश में आती तानाशाही को रोकना है। इसके अलावा वो लगातार एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अगर ये तानाशाही नहीं रुकी तो देश किस श्रृंखला में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया भर में कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बातें हुई, चाहे वो अमेरिका का बयान हो, जर्मनी का बयान हो, या फिर उसके बाद यूएन की तरफ से बयान आया हो, यानी कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि जो आम लोग हैं उनको नहीं दिख रहा कि भारत में क्या हो रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ खास वेबसाइट वाले या फिर ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या यह आवाज पर्याप्त है? हालांकि ध्रुव राठी का ये वीडियो रातों रात जिस तरह से पॉपुलर हुआ और सोशल मीडिया में जिस तरह से छाया है, ये इस बात का प्रमाण है कि सवाल पूछने वाले लोगों को सुनने वालों की अब भी इस देश में कमी नहीं। यही नहीं दोस्तों, अपने इस वीडियो के आखिर में ध्रुव राठी ने वो किया जो आज से पहले कभी नहीं किया था। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने इलेक्शन से पहले लोगों से 4 अपील की है। सबसे पहली अपील, अपनी आवाज उठाइए। दूसरी अपील, वोट कीजिए, जरूर कीजिए। तीसरी अपील, अपने आसपास के लोगों को समझाइए। उन्होंने अब ये भी कहा कि अगर एक आदमी 100 लोगों के पास भी रीच आउट करता है, 100 लोगों के पास भी जाता है, तो एक बहुत बड़ा अपने लेवल पर अभियान शुरू हो जाएगा जिसमें जनता अपने लोगों को खुद जागरूक कर सकती है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट अपील जो मैं भी आपसे करती हूँ, जो भी कीजिए प्रेम से कीजिए, सद्भावना से कीजिए। आखिर में ध्रुव राठी ने कहा कि इतनी जोर से मुस्कुराइए, इतने प्यार से मुस्कुराइए कि तानाशाह का अहंकार चूर चूर हो जाए। और वीडियो के अंत में ध्रुव राठी ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, जिस तरह से ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में विस्तार से बताया है कि इस वक्त देश में क्या हालात हैं, देश किस ओर जा रहा है और उसके लिए जनता क्या कर सकती है, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।